नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। माघ पूर्णिमा का क्या है महत्व, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है माघ पूर्णिमा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से माघ पूर्णिमा का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली की ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि, यानी आज माघ जो है वह समाप्त हो जाएगा। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है आश्लेषा, योग है सौभाग्य, करण है विष्टि। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है उसे माघ पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा कहा जाता है। क्या है माघी पूर्णिमा का महत्व, क्या है माघी पूर्णिमा पर स्नान और दान का महत्व, ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। और चलिए अब बात कर लेते हैं बारह राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को प्रयासरत रहने और संघर्षरत रहने से आय की जो आपकी कमी हो रही है, जो बाधाएं आ रही हैं आय के मार्ग में, आज आप उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। परिवार का सहयोग भी आपको आज कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए छोटी छोटी कुछ यात्राएं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आज की गई यात्राएं आपको सफलता और आय देकर के जाएंगी, तो आज की तिथि में जो भी यात्रा का प्रसंग हो वो आपको अवश्य करना चाहिए। ओम श्री केशवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में दिनचर्या को अनियमित न करें, जो आपकी एक अपनी सेट रूटीन है, जो आपकी एक रेगुलर रूटीन है, उसी को फॉलो करना चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में दूर देश की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आय प्राप्ति की स्थिति अल्पकालीन है, नए मित्र बन सकते हैं, नए संबंध स्थापित होंगे और नए मित्रों पर विश्वास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं होगा, क्योंकि ये संबंध अभी नए हैं। इनको मैच्योर होने का, इनको परिपक्व होने का, इन संबंधों को समझने के लिए आपको कुछ अवसर चाहिए। रिश्तेदारों से मेल मिलाप के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ व्यय माता तथा आजीविका से जुड़े कार्यों पर होने के आज योग बनते हैं, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। माता के स्वास्थ्य की संबंधी कोई समस्या आ जाए, माता से जुड़ी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता ऐसी आ जाए जिसमें आपको खर्च करना पड़े, ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में उत्सव व शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपको सभी व्यापार और साझेदारी क्षेत्र लाभ देकर के जाएंगे, आय में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं। आजीविका क्षेत्र में अपनी योग्यता और कुशलता का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट का आपको फायदा लेना चाहिए। आपके अंदर की छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको बाहर लाने का भी आज आपको अवसर मिलेगा। आप अपने व्यापारिक संस्थाओं की साख में वृद्धि कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिटी है, आपके काम की जो एक गुणवत्ता है, उससे आपकी अपनी कंपनी, अपना नाम, अपना एक जो ब्रांड आपने स्थापित कर रखा है उसमें आज आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। उसका नाम बहुत अच्छा हो सकता है, आपका नाम बहुत अच्छा हो सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने के लिए आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और अब देख लेते हैं क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी आय में वृद्धि के संकेत बनते दिखाई देते हैं। नए व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों के साथ आपके संबंध मधुर नहीं रह पाएंगे,
कुछ वाद विवाद, कुछ तनाव की स्थिति हो सकती है। प्रयास करने से पारिवारिक विवाद की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। नए कार्यों को आरंभ करते समय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आज कुछ ऐसी बाधाएं आ जाएंगी जिसकी आपने कोई कल्पना नहीं की थी, कोई उम्मीद नहीं की थी, जिसका कोई कारण नहीं बनता था। अकारण समस्याएं आपको परेशान करेंगी। आपको सिद्ध होते हुए कार्यों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी स्वरूप में, किसी भी माध्यम से माँ लक्ष्मी का अनादर ना करें, चाहे वो रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के हो, रुपए पैसे की बात को लेकर के हो, या वह गृह लक्ष्मी की बात आती है, या पूजा पाठ में सीधे तौर पर देवी देवता का अनादर करने से भी बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बंद करके आज रुक सकती हैं। आज विकास के मार्ग एक बार बनते दिखाई देंगे और फिर अचानक उनमें कहीं से कोई बाधा आ जाएगी और वह कार्य रुक जाएगा, वह विकास का जो मार्ग था वह अवरुद्ध हो जाएगा। आय क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहने वाली है। भाग्य का सहयोग आजीविका और आय दोनों क्षेत्र में आपके साथ बना हुआ है। पूर्व विचारे गए सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कार्यों को पूरा करने के लिए मेहनत में वृद्धि की आवश्यकता है, तो आज आपको मेहनत पहले से बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हार नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सफलता आपकी ही, आपको ही मिलनी है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की तिथि में, आज पूर्णिमा की तिथि को शुभ बना देगा। माँ अन्नपूर्णा का अनादर किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में ना करें। और चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च सफलता प्राप्ति के लिए अपने संघर्ष क्षमता को बढ़ाना पड़ सकता है। जॉब क्षेत्र की दिक्कतों में वृद्धि हो सकती है। उच्च अधिकारियों से संबंध सुधारने के लिए मतभेदों में आपको कमी करनी होगी। अपने व्यवहार को और सौम्य करना होगा। आपकी जो उग्रता है उसे नियंत्रित करना होगा। आपके ऊपर बढ़ता हुआ कार्यभार आपको आपके आराम में कमी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, आपके लिए एक चिंता का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जिम्मेदारियां आपने अपने ऊपर अपेक्षा से ज़्यादा, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा ले रखी हैं, तो जितना कार्य आप कर सकते हो उतनी ही जिम्मेदारियां आपको लेनी चाहिए। ओम मधुसूदनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज छोटे बच्चों को डांटना फटकारना नहीं चाहिए, छोटे बच्चों को नाराज नहीं करना चाहिए, उनको प्रसन्न रखेंगे, उनको टॉफी चॉकलेट कुछ दे करके खुश रखेंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनके तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो आज का दिन बहुत अच्छा बन सकता है। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त कुछ लाइक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग आज आप कर सकते हैं। आपको कोई लालच, कोई प्रलोभन दे सकता है, आप उसकी बातों में आ सकते हैं। इस तरीके के किसी भी अनैतिक कार्य से आपको बचना चाहिए। आपकी बुद्धि नैतिक नियमों के विपरीत आज जाती दिखाई देती है, जिससे आपको बचना है। कोई भी अनैतिक कार्य में आप संलग्न ना हो, किसी का साथ ना दें। आपकी माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से कमी के संयोग बनते दिखाई देते हैं। संतान पर भी आप क्रोध आज कर सकते हैं। क्रोध की स्थिति लगातार बनी हुई है, आपका क्रोध और उत्तेजना बहुत हो सकती है। संतान पर किसी भी तरीके का क्रोध या सख्ती से आज बात करना, व्यवहार करना ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। इससे आपके परिवार का वातावरण भी बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है और आप अंदर से भी बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे, आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस नहीं होगा, तो अपने क्रोध को आपको आज नियंत्रित करना चाहिए। ओम त्रिविक्रमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको आज किसी भी परिस्थिति में देवी देवता, हमारे जो सनातन पूजा पाठ की प्रक्रिया है, जो मान्यताएं हैं, आज तिथि और पर्व की स्थिति है, किसी भी तरीके से किसी के मान सम्मान को, आपको देवी देवता की पूजा का अनादर, किसी की मान्यता का अनादर नहीं करना चाहिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए स्नेह व नम्रता से काम लेने का आज प्रयास करना चाहिए। आपके व्यवहार में जो कठोरता का भाव है, कठोरता का तत्व है, उसे आपको आज त्याग देना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको समय पर आज प्राप्त हो सकता है।
आप अपने क्रोध के भाव का प्रयोग करके दाम्पत्य सुख में कमी कर सकते हैं। आपके जीवन में जो सुख और शांति थी वह दाम्पत्य जीवन की भी बात है, पारिवारिक जीवन की भी बात है, उसमें आप कमी कर सकते हैं। तो अपनी सुख शांति स्वयं से आप नष्ट ना करें, जितना ज़्यादा आप शांत चित्त रहेंगे आपको उतना अच्छा लाभ मिलेगा। स्थिति आपके कारण और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आपका व्यवहार आज बहुत उग्र रहने वाला है, बहुत कठोर रहने वाला है, वाणी बहुत ज़्यादा आपकी कठोर हो सकती है। परिवार का सुख सहयोग प्राप्ति का पूरा पूरा योग आज आपके साथ बन रहा है, तो सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, बस आपको कुछ अपने तरफ से कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। आप जितना सहयोग करेंगे परिवार का वातावरण माहौल उतना अच्छा रहेगा। ओम वामनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज किसी का उपहास न करें, किसी का मजाक न उड़ाएं। और अब जान लेते हैं धनुराशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज पुराने संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। मित्रों के साथ घूमने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, मनोरंजन का एक अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। आप अपने संचय को लेकर के, धन के संचय को लेकर के कुछ चिंतित कुछ परेशान हो सकते हैं। पहले से अधिक मेहनत करके अपने आय में बढ़ोतरी करने में आज आप सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी, धन संचय जो है वह मंद गति से हो पाएगा। तो ऐसे में आपको अपने अनावश्यक खर्चों को रोकने की आवश्यकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करने का प्रयास करें। आज की तिथि में आपके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले अपने रिश्तेदारों के साथ खासतौर पर, तो दोस्तों मित्रों के साथ समय व्यतीत करें। रिश्तेदारों से संबंध थोड़ा सा आज जितना आप कम से कम संपर्क रखेंगे उतना अच्छा होगा। आज का दिन ही बचाना है आपको। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ऐसे ही पहले से धन की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है, तो धन का दिखावा ना करें, धन को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखें, सेव रखें, आपके गाढ़े समय में आपको बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके परिवार में कोई शुभ कार्य संपादित होने की संभावना बनती है, ऐसे संयोग दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के पक्ष से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके अपने आजीविका संबंधी कार्य में परिवार से सलाह मशवरा आपका कर लेना बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। साझेदारी व्यापार में यानी पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई भी काम में लाभ प्राप्त करने के लिए आज आपको अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, यानी आज के लिए आपके लिए पार्टनरशिप बहुत सूट कर सकती है। ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शक्ति और उसके साथ साथ जो आपके संपर्क हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यानी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका सही मायने में इस्तेमाल करें तो ठीक है, अन्यथा उनका गलत मायनों में इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना आपके हित में नहीं है। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्थानांतरण, ट्रांसफर और कार्यक्षेत्र में बदलाव, आपकी जिम्मेदारियों में, आपकी भूमिका में जहां आप काम करते हैं वहां कोई बदलाव आ जाए, आपको कोई नया टास्क दे दिया जाए, कोई नया काम दे दी जाए, कोई नई जिम्मेदारी दे दी जाए, ऐसी स्थिति बनती है। अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा आज आपको नहीं रखनी चाहिए। आज आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके बॉसेस जो हैं, आज वो आपसे सहयोग थोड़ा कम करेंगे। पदोन्नति की प्रतीक्षा होने पर अगर आपको अपने प्रमोशन का बहुत समय से इंतज़ार है तो आज आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आज भी शायद आपको अपने ऑफिस से, अपने बॉसेस की तरफ से ना ही सुनने को मिले। आजीविका क्षेत्र में अत्यधिक उतार चढ़ाव बने रहने वाले हैं। आपकी व्यस्तता आजीविका से अधिक अपने पारिवारिक क्षेत्र में रहने वाली है, तो परिवार और अपने कार्यक्षेत्र, अपनी आजीविका क्षेत्र में दोनों में समान तौर पर समय का आप विभाजन करें और दोनों को समान आपको समय देना चाहिए। ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का अनादर मत करिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, उनका सम्मान करते रहिए, उनके आशीर्वाद से बहुत सारे दुख कष्ट दर्द ऐसे ही दूर हो जाते हैं। और चलिए अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व पड़ोसियों से अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेतृत्व कार्यों में जहां आपको लीड करना है, लीडरशिप कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता है। जहां आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, जहां आप किसी टीम के लीड बन गए हैं, आपको लोगों को बताना है कैसे काम करना चाहिए, तो आपको अपनी क्वालिटी में भी कुछ सुधार करना है, जिससे आप अपने साथ के जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, आपके नीचे काम करने वाले जो आपके जूनियर्स हैं, आपके सहयोगी हैं, उनको आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, उनका एक अच्छा उचित मार्गदर्शन कर सकें।
आजीविका क्षेत्र की अस्थिरता को दूर करने के लिए आपको अपने मनोबल में वृद्धि करनी होगी। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रहिए, खुद को बूस्टअप रखिए तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। समय के अनुकूल न होने के कारण बड़ा लेन देन करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो जो भी रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फिनेंशियल जो भी आपके टर्नओवर्स होते हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को पैसे उधार मत दीजिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज माघी पूर्णिमा है और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के जितनी ही पवित्र मानी जाती है माघी पूर्णिमा, इसका उतना ही महत्व है जितना कार्तिक मास की पूर्णिमा का होता है। माघ मास की पूर्णिमा ही माघी पूर्णिमा कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। स्नान ध्यान और दान की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से इसका उतना ही महत्व है जितना कार्तिक मास की पूर्णिमा का होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में हिंदू धर्म दृष्टि में माघ चार पवित्र महीनों में से एक सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु उस दिन गंगा में स्नान करने अवश्य आते हैं। अगर गंगा जी आपके उपलब्धता ना हो पाए, आपके घर से दूर हो, आपके आसपास ना हो, तो आपके घर के आसपास जो भी स्वच्छ जलाशय, नदी, तालाब, कुंड, सरोवर, झरने इत्यादि जो भी उपलब्ध हो जाए आपको वहाँ स्नान करना चाहिए। किसी भी धार्मिक मान्यता के तीर्थ में स्नान करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जल में सूर्य के उगने से पहले देवताओं का तेज विद्यमान रहता है। यह तेज पापों का नाश करने वाला, पापों का शमन करने वाला होता है और पुण्य में वृद्धि करने वाला होता है। इसमें पुण्य की वृद्धि होती है, इसलिए जो है आपको सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए, वह भी किसी धार्मिक स्थल में। इसलिए सूर्योदय से पूर्व स्नान जब आप करते हैं और जब आकाश में तारे मौजूद हों तो नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसे हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। माघी पूर्णिमा के दिन अन्न दान और वस्त्र का दान करना सबसे महत्व ज्यादा रखता है, सबसे महत्वपूर्ण ये दो कृत्य हैं। सबसे पहला आप स्नान करें और फिर अन्न और वस्त्रों का दान करें, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उसके बाद सामर्थ्य अनुसार अन्न दान करें और भूखों को भरपेट भोजन कराएं। ब्राह्मणों और पुरोहितों को श्रद्धा से आप दान दें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद स्वयं आप अपने कुटुंब के साथ भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन शैव मत को मानने वाले लोग भगवान शंकर की भी पूजा करते हैं। शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास में पवित्र नदी में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी या त्रिवेणी जिसे संगम कहते हैं, इनसे संबंधित जितनी भी नदियां हैं या इनके अलावा और जो जीवनदायिनी नदियां हैं, इनमें स्नान करने से मनुष्यों को पापों से छुटकारा मिल जाता है और स्वर्गालोकारोहण का मार्ग खुल जाता है, यानी स्वर्ग जाने का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो जाता है। महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम एक साथ हो जाता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वह माघ मास में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने के लिए सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को ही बताया गया है। एक दिन स्नान आवश्यक है, यह निर्णय सिंधु का मत है, यानी जो व्यक्ति पूरे माघ मास में तीर्थ में स्नान न कर सके, कम से कम पूर्णिमा के इस एक दिन में या पूर्णिमा के कुछ अंतिम दिनों में, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में आप किसी भी दिन किसी तीर्थ में स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो कम से कम पूरे इस माघ मास में एक दिन स्नान अवश्य करना चाहिए किसी भी तीर्थ में, और वह जो एक दिन का स्नान है वह पूर्णिमा पर यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भले पूरे महीने आप तीर्थ स्नान के योग न बन सके हों आपके लिए, लेकिन अगर आप एक दिन तीर्थ का स्नान कर लेते हैं तो स्वर्गलोक के उत्तराधिकारी आप बन सकते हैं, उसके आप लायक बन सकते हैं, ये बात कहा जाए तो ज़्यादा होगा। इसका उदाहरण मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से देता हूँ। मास पर्यंत स्नाना संभवे तु त्रयह में काहम व स्नायात, अर्थात जो लोग लंबे समय तक स्वर्गलोक का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यदि आज की तिथि में स्नान करते हैं तो निश्चित ही आज की तिथि का आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। संकल्प स्नान के लिए आपको किस प्रकार लेना है ये भी आप समझ लीजिए। स्वर्गलोक चिरवासो येषां मनसि वर्तते
यत्र काचपी जले जस्तौ स्नानव्यम मृगा भास्करे, अर्थात माघ स्नान का संकल्प शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा को ही आपको ले लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए, हो सके तो एक समय का भोजन और व्रत करना चाहिए, यही इस स्नान का स्थिति का महत्व होता है। माघ मास में दान का विशेष महत्व है, दान में आपको तिल गुड़ और कंबल का विशेष दान करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अग्नि के लिए लकड़ी का दान करते हैं लोग, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, आप साधु संतों के लिए गरीब लोगों के लिए अग्नि का दान करना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, जिससे अग्नि से वो अपने शरीर को ऊर्जा दे सकें, अपने शरीर को गर्मी दे सकें, तो आप लकड़ियों का दान भी कर सकते हैं। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये कुछ विशेष दान मैंने आपको बताए, स्नान की प्रक्रिया बताई, संकल्प की प्रक्रिया बताई। आशा करता हूँ कि आज की बहुमूल्य तिथि को स्नान करके, किसी भी तीर्थ में स्नान करके आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, स्वर्गलोक में अपना स्थान आप सुनिश्चित कर लेंगे। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि आप तो कहीं घर से निकल नहीं सकते, तो आपको करना ये चाहिए कि आपके हर घर में कोई ना कोई तीर्थ का जल अवश्य होता है, तो आप अगर कहीं नहीं जा सकते तो अपने स्नान के जल में कोई भी तीर्थ का जल थोड़ा सा दो चार बूंद एक ढक्कन डाल करके स्नान कर लें, लाभ आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो ये था आज का महा उपाय। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।